रात का समय है, मैं अपने टेरेस पर हूं और मुझे याद आ रही है कैसी आवाज की, जिनका नाम है भाग्यशाली टेरेस और मुझे याद आ रही है कमल शर्मा जी की। और आज मैं अपने YouTube के श्रोताओं के लिए उनकी छोटी सी एक बातचीत मैं सुनाना चाहता हूं। तो कमल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस चैनल पर। कमल जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत तो मेरी रायपुर से रेडियो का सम्मान था ही जी। और बहुत सारी आवाजें मैं सुनता था अपने भाई के साथ में, तो जाने का मन भी होता था। और बचपन से रेडियो सुनते रहे, तो रेडियो के साथ एक बड़ा आत्मीय रिश्ता भी था, क्योंकि मनोरंजन का और कोई साधन भी नहीं था जी। तो पहली बार जब जाना हुआ तो मैं उन दिनों थिएटर करता था और मेरे एक साथी थे जयंत देशमुख जी, तो वो मुझे एक रेडियो प्ले के लिए ले गए थे, उसका नाम था जेब सरकार। नाटक रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन क्या वो पता नहीं प्रसारित हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। लेकिन फिर एक चाह थी, यदि फिर मैंने पता किया तो कहा कि साहब इसमें ऑडिशन देना पड़ता है, रिटर्न होगा और उसके बाद नहीं जाके आपको मौका मिलेगा, बड़ी कठिन रहा है। तो शुरू में मुझे लोगों ने हतोत्साहित भी किया। फिर कैजुअल अनाउंसर के लिए कॉपियर के लिए वहां पर पोस्ट निकली, तो मैंने अप्लाई किया, हो गया सिलेक्शन हो गया। तो दो तीन बरस वहां काम किया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया। फिर मैं वहाँ थिएटर भी करता था, उससे जुड़ा हुआ था। तो वहीं से फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर एक रेगुलर पोस्ट निकलने वाली है जी जी। फिर मैंने अप्लाई किया, 600 लोग थे करीब उसमें। ओह, और हाँ, तो रिटर्न हुआ। फिर रिटर्न में तो मेरी सेकंड पोजीशन थी, लेकिन उसके बाद में इंटरव्यू और ऑडिशन में मेरिट में आया, टॉप कर गया। लेकिन वो किसी वजह से कुछ बाहरी दबाव भी थे वहाँ पे केंद्र निदेशक पर, किसी और का भी जो सिलेक्शन था उसके लिए दबाव दिया जा रहा था, उनके पिता वहीं पर प्रोड्यूसर। तो पहले 7 महीने बाद ये रिजल्ट ओपन हुआ और मुझे वो फिर नियुक्ति मिली। तो मुझे याद है 27 मई 1983 को अपने ज्वाइन किया। 6 महीने फिर वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे रहा, क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन का चक्कर वगैरह था। तो 23 दिसंबर 1983 से फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट थे। तो उसके बाद में तो 26 सब हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलर हो गए जी। आप आपका जन्म कहाँ हुआ, परिवार में कौन कौन थे, क्या किस तरह का आपका शुरुआत? तो प्रभाकर से मैं हूँ पंजाबी जी, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ जी। और एक जगह है पंजाब में चहेड़, उसका नाम है कपूरथला में आती है जी, जी। तो बस इतना ही है कि वहाँ बस पैदाइश हुई और बचपन में एक बार मैं वहाँ गया हूँ अपनी गाँव। और पिताजी की नौकरी कुछ ऐसी थी कि वो नॉमैडिक होती ना, खाना बदोश, पर कभी इस शहर कभी उस शहर। शहर तो नहीं, बल्कि हमारे मेरे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा जंगल में था। पिता का डिपार्टमेंट ही ऐसा था कि वो रिक्लेम करता था जगह को जंगल का, कि वहाँ जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे उनको बचाने के लिए, और गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी इनका डिपार्टमेंट काम कर रहा था। तो ज्यादातर पिताजी का जो यूनिट थी, उनका जो डिपार्टमेंट था, उसकी बसाहट जंगलों में रहती थी। टेम्पररी अरेंजमेंट होते थे, टेंट्स होते थे और ये चटाइयों के मकान, तो स्कूल भी हमारा साथ साथ चलता था। इस तरह से जंगलों में पूरी जिंदगी जो बीती थी। फिर बाद में जब मुझे याद है कि छठी में, 5वीं 6वीं पहली बार पहला शहर जो हमने देखा वो यवतमाल था, फिर माना गांव में मेरी पढ़ाई हुई, माना कैंप में हुई, रायपुर में हुई। रायपुर में ज्यादा कॉलेज की पढ़ाई की और वहीं पर मैंने सारी अपनी आगे की पढ़ाई भी की और वहीं ज्वाइन भी किया। मैंने भी वहीं से शुरुआत की आकाशवाणी। कब आपको अपनी आवाज के बारे में पता चला कि आपकी आवाज माइक्रोफोन के लायक है या इस फील्ड में आप आ सकते हैं? वो नाटक के दौरान थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आवाज माइक्रोफोन के लायक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं गाता भी था, तो 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि नहीं साहब, तो बड़ा मुश्किल है और अनाउंसर बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन तब फिर एक जिद भी थी और मुझे लगता था कि इसके लिए मेहनत की जानी चाहिए, मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे मैं सिनेमेटोग्राफर बनना चाहता था, मुझे जो फिल्म का कैमरा बड़ा उत्साहित वो था। अच्छा, तो दो बार मैंने पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का एग्जाम भी दिया इसके लिए, लेकिन क्या था कि उन दोनों इसके बारे में कोई सिलेबस नहीं, कोई बुक नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, तो कुछ समझ में आता नहीं था। लेकिन शायद डेस्टिनी मेरी कुछ और थी। नहीं, बिल्कुल, आपको करोड़ों श्रोताओं को जो प्यार मिलने वाला था,
उससे आप वंचित हो जाते अगर वहां चले जाते। और विविध भारती में जब आप ज्वाइन किया उसके बाद का जो सफर आपका रहा वो अनुभव में जानना चाहते हैं भी। वो प्रभाकर भाई आप तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, छोटे भाई की तरह। जी, जी, जी। और आप जानते हैं रेडियो में कैसे हम लोग काम करते हैं, है ना, या क्योंकि अमूमन लोग बोलते हैं सरकारी जो नौकर होते हैं वो काम नहीं करते, लेकिन रेडियो में तो मैंने ये जाना कि एवरेस्ट से कहीं जाता था, 12 घंटे स्टूडियो में ऑफिस में बीत जाते थे और डेडलाइन है आपको, है ना, तो घर में आपके खुशी है कभी है लेकिन आप दफ्तर में काम कर रहे हैं। जी, जी, एक आपका डेडिकेशन तो ये होता था, कमिटमेंट है आपका। बिल्कुल, यहाँ मैं आया तो ये जरूर मैं कहूंगा कि मैंने जो कुछ सीखा था वो प्राइमरी चैनल में सीखा और बहुत बेहतर और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, दिग्गजों के साथ, ये ब्रॉडकास्टिंग के अपने अपने इंस्टीट्यूट थे, तो वहां मैंने ना वहां मैंने ड्रामा प्रोड्यूस किया, मैंने ड्रामा लिखे, नाटक लिखे, नाटक प्रोड्यूस किए, वो नेशनल के पद थे और स्टेट के पद थे, डॉक्यूमेंट्री फीचर मैंने प्रोड्यूस किए, रेडियो रिपोर्ट्स, और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए, मैं वहाँ यूथ प्रोग्राम से जुड़ा था, तो 70-80 प्रोग्राम उनका स्वरूप तैयार किया और बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच के साथ में, हम वक्त के साथ रेडियो वालों को चलना होता है, जी जी जी, तो अपडेट भी रहना होता है, पढ़ना भी होता है, तो मैंने उस तरह के प्रोग्राम बहुत डिजाइन किए, तो उस समय हमारा रायपुर का जो यूथ प्रोग्राम था वो बहुत पीक पे था, बहुत पॉपुलर हुआ और उसमें जाहिर हम लोगों की मेहनत थी, फिर मैंने उसमें साइंस के कुछ सीरियल्स किए थे और मुझे याद है मैं महाभारत में वो समय का कॉन्सेप्ट है ना, जो बोलते मैं समय हूँ, मैं इसको 2 साल पहले इस्तेमाल कर चुका था। हाँ, मैं मेरा सीरियल होता था समय यात्री के नाम से, तो 2.5 साल चला था, जो उसकी सभ्यता की विकास की कहानी, लेकिन रेडियो में भी पड़ी ना कुछ लाल फीता शाही है, उसको ये भी कह सकते हैं कि वहां पर भी बहुत सरकारी नियमों की ऐसी जकड़न है कि जिसमें बड़ी कुटनती होती है, जैसे मुझे याद है कि किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, मानव का विकास एक सीरियल, तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि साहब एक बहुत उनका एडिटिंग में बहुत जबरदस्त हाथ है, आप उनको बुलाइए, उनका भी नहीं, उनको इसलिए नहीं बुला सकते कि वो अनाउंसर है, ये जो हमारे यहाँ इस तरह की जो वो है ना कैटेगरी बना के रखी है कि मतलब आप अनाउंसर हैं तो आप प्रतिभाशाली हो ही नहीं, आप अगर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव हैं पैसे तभी आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं, तो रेडियो में ये भी कॉन्सेप्ट रहा कि अगर इसने हिंदी में कर लिया तो वो साहित्यकार हो गया, तो वहां पर मैंने बहुत काम किया, वहां पर एक कार्यक्रम जो बड़ा फ्यूचरिस्टिक था अंतरिक्ष में साइंस फैंटेसी थी, वो हम लोग मैं खुद लिखता था, तो मैक्सिमम प्रोग्राम लिखे, फिर मैंने वहां पर वर्णस को रिकॉर्ड किया, ऐसे जो अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को रिकॉर्ड किया मैंने वहां पर, तो मुझे बड़ा एक कहता ना कि बहुत बहुत विस्तार मिला और अनुभव कर हमारे, लेकिन विविध भारती में क्या था कि कार्यक्रमों का स्वरूप बड़ा अलग था, ज्यादातर कार्यक्रम जो थे वो फिल्म बेस्ड प्रोग्राम, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम डिजाइन किए, जैसे हिंदुस्तान का पहला इंटरएक्टिव फोन इन प्रोग्राम हेलो सरप्राइज, फिर एक कार्यक्रम है जिसको मिल करके मैंने और मेरे साथ राकेश जोशी उस कार्यक्रम के बहुत सारे उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम मैंने प्रोड्यूस किए, नौशाद नामा, फिर प्यारे जी का जो प्रोग्राम केंद्रित था, उसके अलावा जो नैयर साहब पर था, फिर एक प्रोग्राम और मैंने डिजाइन किया वो है भारतीय सिने पत्रिका है भारत, तो दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होती है, हाँ वो पूरा कॉन्सेप्ट मेरा था, जी जी उसको पूरा, लेकिन रेडियो में चीज और भी है कि यहाँ पर प्रतिभा के लिए बहुत परजी हुई है कि सारी मेहनत आपकी होती है और नाम किसी और का चला जाता है, और उनको अपनी नाम की बड़ी भूख है जबरदस्त, वो कहते जिन्हें कहा इसमें मेरा नाम डालिए, मेरा नाम डालिए, मेहनत सारी हमारी होती है और एक व्यक्ति जो है वो आपका क्रेडिट लेना चाहता है, और रेडियो में ये बहुत बहुत है कि बहुत सारे प्रोग्राम जिनमें किसी का योगदान नहीं था ए से जेड तक, जिसको पूरी से पूरी तरह से मैंने बनाया उस कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता के रूप में किसी और का नाम किया, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे जिनका क्रेडिट दूसरों को मिला, लेकिन विविध भारती के बहुत सारे कार्यक्रमों की सिग्नेचर ट्यून बनाई है, बहुत सारे कार्यक्रम जिसमें सेलुलॉयड के सितारे, सरगम के सितारे कार्यक्रम है और ये चित्र भारती है, लेकिन जो फिर एक हेलो फरमाइश, इसके अलावा मैंने कारगिल युद्ध के दौरान एक कार्यक्रम पेश किया हेलो कारगिल, वो बहुत लोकप्रिय हुआ, फिर जयमाला संदेश एक कार्यक्रम था जिसका कॉन्सेप्ट मेरा ही था कि इसको लेटर्स पर आधारित पत्रों पर आधारित करिए, और ये कार्यक्रम भी बड़ा लोकप्रिय हुआ,
इसके अलावा भी आपने कई हस्तियों के आपने इंटरव्यू लिए हैं, तो इंटरव्यू के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा यादगार इंटरव्यू आपका रहा कि आपने जो आज भी आपको याद आता है? अच्छा, तो बहुत सारे इंटरव्यू हैं, जैसे नैयर साहब का इंटरव्यू अपने आप में बड़ा अद्भुत था। फिर एक और इंटरव्यू मैंने किया था प्रेम धवन साहब का, जो जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर कर रहे, लेकिन अफसोस वो बाद में डेविड साहब की लाइब्रेरी में वो मिला नहीं, वो कैसे इरेज हो गया, किसकी लापरवाही से हुआ वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था मेरा, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। इसके अलावा फिर कल्याण जी आनंद जी के, आनंद जी से की गई लंबी बातचीत, और फिर आदेश श्रीवास्तव जी से की गई बातचीत, उन पर एक मैंने कार्यक्रम भी बनाया था बाद में, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। फिर विजेता पांडे जी से, उनकी बहन सुलक्षणा पांडे जी से की गई बातचीत, और नौशाद जी से मिलना, फिर ये अनु मलिक जी के पिताजी सरदार मलिक साहब, ज्योतिका रॉय और जयराज जो मूक जमाने के भी वो थे नायक रहे, तो ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ याद आ रहे हैं आप कुछ मैं भूल भी रहा, लेकिन लपी लेते हैं। आपकी विशेषता है प्रोग्राम तो आप बहुत अच्छे बनाते हैं, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं, आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और उससे बहुत अच्छी चीज आपके साथ है वो है आपकी हंसी। जब आप इंटरव्यू के दौरान आप हंसते हैं तो वो एक अलग ही इफेक्ट डालता है, तो इसके लिए मतलब क्या आप अंदर से ही देखिए मेरा तो मानना है कि ना रेडियो में आप जितने ज्यादा सहज रहते हैं, सरल रहते हैं और अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखते हैं, अपनी मूल आवाज को कायम रखते हैं, बिना किसी बनावट के आप बोलते हैं, इसका असर ज्यादा होता है, और फिर जो हंसी होती है, मुस्कुराहट होती है, वो प्रोग्राम को बड़ा खुशनुमा बनाती है, और ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती हंस रहे हैं, जहाँ हंसने का मौका था मैं समझता हूँ जरूर हंसना चाहिए, उसके दूसरी भी नहीं होनी चाहिए। जी जी, और दूसरा ये है कि चलो हंसी तो है ही, खास बात ये कि आप अपने आवाज को बरकरार रखने के लिए, आवाज को अच्छा रखने के लिए आप क्या करते हैं? ये तो मैं ना बताते थे आपसे और अपने सुनने वालों से माफी चाह सकते हैं, शायद मैं ज्यादा ही लापरवाह हूँ, क्योंकि मैं अचार खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं आइसक्रीम भी खाता हूँ, एक जमाने में मैं सिगरेट पीता था, मैं जो अच्छी बात नहीं है, और मैं कहूँगा किसी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जी जी जी, तो लेकिन ऊपर वाले ने उसका मैं तो जितनी बार शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने सुनने वालों का, क्योंकि आवाज तो मेरी है, वो ऊपर वाले की दी हुई है, मैंने तो बस उसका इस्तेमाल भर किया, और जिस तरह से इस्तेमाल किया उसके लिए जिस तरह से मुझे मेरे सुनने वालों ने, रेडियो से के चाहने वालों ने जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया, मैं तो शायद उसके लायक नहीं अपने आप को समझता, उन्होंने मुझे जरूरत से ज्यादा इसके लिए इज्जत बख्शी है, मोहब्बत। नहीं, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल लायक थे, काबिल थे और काबिल हैं, और ये जो प्यार मिला है वो बिल्कुल योग्यता को मिला है, ऐसे कई आवाज़ें दुनिया में हैं लेकिन कमल शर्मा सिर्फ कमल शर्मा ही है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि रेडियो के अलावा आपकी आवाज़ श्रोता अगर सुनना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ सुन पाते हैं, या आपने इसके अलावा क्या क्या काम किए हैं? मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, फिर मैं इन दिनों आजकल ऑडियो बुक्स कर रहा हूँ, और जो जो कहानियां और उपन्यास आजकल क्या लोगों के पास में पढ़ने का वक्त कम है, सुनने का ज्यादा है, तो ये एक काम शुरू हुआ है, और हम चूंकि आवाज ही से कमाते हैं और वही हमारा प्रोफेशन है, तो इसके जरिए जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कुछ कॉर्पोरेट फिल्म हैं, ये ऑडियो का जो काम जब जहाँ से मिल जाए उसको पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी बोले हैं वो लोगों के दिलों में उतर जाए। अभी जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो आपको सुनते हैं और कहते हैं कि अपने आप को मानते हैं कि वो भी कमल शर्मा बने, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देख, मेरा तो मानना है कि आप कमल शर्मा बनने की बजाय खुद बनना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी किसी से प्रेरणा मैंने ली है, और हम सब किसी ना किसी से प्रेरित होते हैं, लेकिन ये उसकी कॉपी बन जाएंगे तो फिर हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। आपकी प्रेरणा, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा रहे ब्रिजभूषण महतो जी,
जो विज्ञापन और डॉक्यूमेंट्री की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है जो, और उन्होंने बहुत सारे जिंगल बनाए। उनका मशहूर जिंगल है तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ, और बहुत सारी फिल्मों में उनकी आवाजें हैं, जैसे उपकार फिल्म में, पूरा पश्चिम में, सरस्वती चंद्र में। और मैं क्या कहूँ, मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य भी मिला। और रेडियो में ये 1957-58 तक रहे, और मेलविल डिमेलो जिन्हें आइकॉन कहा जाता है, उनके ये उनके शिष्य रहे। अच्छा। और मैं तो इनको इनकी डॉक्यूमेंट्री में इनकी मैंने आवाज सुनी। हम तो छोटे शहर से आए थे, कभी कभी फिल्म देखने जाते थे तो उसको भारतीय समाचार चित्र आता था, और जो विज्ञापन कुछ रेडियो पर सुनाई देते थे और कुछ जो हमने सिनेमा हॉल में देखे उनमें इनकी आवाज मैं सुनता था। तो मुझे लगता था कि उफ क्या आवाज है, मतलब मैं इनका इतना बड़ा उस समय शागिर्द हो गया, इनको पता ही नहीं। फिर जब मैं मुंबई में आया तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं इनसे मिलूं। मेरी किसी बड़े फिल्म कलाकार से मिलने से ज्यादा बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं इनसे इनको देखूं। तो हमारे यहाँ उन दिनों छाया गांगुली जी प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम एक छोटी थी वो, तो उनसे मैंने अपनी ये हरकत दायर की, तो उनका ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तो हमारे यहाँ उन दिनों एक और हमारे मेरे सीनियर थे ब्रजभूषण साहनी, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो पहले मिले वो अच्छा, वो ब्रिज जी तो हमारे यहाँ काम करते हैं, तो वो जब उनकी आवाज सुनी मैंने कहा ये नहीं है, ये तो अलग है, क्योंकि उनकी भी बड़ी बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत आवाज ब्रजभूषण साहनी जी जी जी। लेकिन ब्रिज जी की आवाज जो है एक अलग, उसमें अलग तरह की दिव्यता है। तो मैं जब वो मिला उनसे तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो बहुत। तो आप अपने जिस आदर्श से जब मिलते हैं तो आपको लगता है ना कि इससे बड़ा इनाम क्या है, लेकिन आज भी श्रोता आपकी आवाज सुनते हैं तो यही कहते हैं कि वाह क्या आवाज है, मतलब जो आपने जो जिनसे आपने प्रेरणा पाई है वही चीज आपको मिली है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। और मैंने उनसे एक ही चीज जी देखिए, अदायगी एक चीज होती है, मैं क्योंकि रेडियो में तो आपकी सिर्फ आवाज ही तो होती है ना, उसी में आपको उससे खुशबू का भी एहसास कराना है, उससे बारिश के गीलेपन का भी एहसास कराना है, क्या बात, उससे मौसम की मादकता का भी एहसास कराना है, बहुत और है ना, और अपने भीतर की उदासी और खुशी का भी एहसास, उसके लिए सिर्फ आपके पास स्वर है, आवाज है, आवाज उसके उतार चढ़ाव से ही। और हमारे यहाँ तो रस की बात की जाती है, नौ रसों की बात की जाती है, और यदि हमने उनको पकड़ लिया और शब्दों की जो गोलाई है, उनका जो विस्तार है, उनका जो संकुचन है, हमने अगर उसको अपने ध्यान में रखा तो उसकी अदायगी बड़ी आसान हो जाती है। जैसे गायक होता है ना, जिस तरह से वो सा लगाता है, गलत लगाने का साथ तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलते समय में भी आपको संगीत की तरह सा लगाना पड़ता, आपने गलत पिच उठा लिया, गलत जगह से स्वर लगाया तो गलत हो जाएगा, सांस भर जाएगी, क्योंकि ये सांस का खेल है, उसी का जादू है। और ये जादू ये है कि आपको लोगों के दिलों में अगर उतरना आ गया, उनको छूना आ गया, तो यही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि यही कमाल है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कमल शर्मा ने कोई बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है, ये तो हर बोलने वाला कर सकता है, बस ये जरूर है कि उसको पहले वो खुद महसूस करे, जब खुद महसूस करेगा उसकी खुशी को, उसकी उदासी को, तभी वो दूसरे को उसका एहसास करा पाएगा। क्या कमल शर्मा जी ये उन लोगों को बता सकते हैं ऑनलाइन कि किस तरह से बोलना चाहिए, क्या क्या भावनाएं लाना चाहिए, उतार चढ़ाव क्या, मॉड्यूलेशन क्या होते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जी ऑनलाइन का जमाना है, तो हर कोई चाहता है कि आप ऑनलाइन रहें और आप लोगों को सिखाएं कि आवाज क्या होती है और किस तरह से काम किया जाता है। मुझे लाइन से लगा देना चाहते हैं और लाइन से लाना चाहते हैं, वैसे मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही जी, क्योंकि ये चीज मेरे जहन में आई नहीं थी। वैसे जरूर मन में था कि कोई अपनी अकेडमी शुरू करूं, कई 37-38 बरस रेडियो में काम किया और रेडियो की अलग अलग विधाओं में काम किया है, और मुझे लगता है कि रेडियो आकाशवाणी में जिस काम करती है और खासतौर से उसके प्रारंभिक चरण, तो उसने बहुत कुछ काम किया, जो उसकी नर्सरी है, उसका इंस्टीट्यूट है, क्योंकि प्राइवेट चैनलों में तो लोग चिल्लाते हैं, उन्होंने सोच लिया कि सिर्फ गाना सुनाना और लतीफे बाजी ही प्रसारण है, रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण इससे कहीं बहुत आगे आगे है ना, इतनी ज्यादा बनावट है, हंसी में बनावट है, एक्सप्रेशन में बनावट है, उतने लाउड हैं, लेकिन और इतने ज्यादा आत्मुग्ध हैं, अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से किए जा रहे हैं कि म्यूजिक बेहतर कोई है ही नहीं, रेडियो हमको ये नहीं सिखाता,
एक तो रेडियो मैं की बात ही नहीं करता, रेडियो कहता हम, हम है तो हम हमेशा ये बोलते हैं हम बोल रहे हैं, है ना। तो ये आकाशवाणी का जो कल्चर है वहां पर सीखा, जो हमको संस्कार मिले वहां से बोलने के, इस भाषा के, और वहां पर कभी कभी थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सीखते तो आप सबके साथ में है, लेकिन जब आगे बढ़ना होता है तो आपको अपने आप को लगातार मानना होता है, परिमार्जित करना होता है। तो अगर आप में सीखना है और सीखने की ललक है, कला है, क्योंकि एक जो ब्रॉडकास्टर होता है, मैं समझता हूँ प्रभाकर जी आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, और मैं ये जरूर कहूंगा कि मालिक ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत हसीन आवाज आपको भी दी है, और आप कहा मेरे मेरे पेशा, तो मैं ये कहूंगा कि सब अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे कोशिश करते हैं, और लगातार अगर हम सीखना चाहते हैं और सीखने की लगन रखते हैं तो यहाँ तो हर रोज फिर एक नई बात, एक नई पाठशाला है। कमल शर्मा जी ने अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को छुआ है और ऊंचाइयों को भी छुआ है, और आज भी वो जानते हैं कि किस तरह से बोला जाता है। और एक जो मेरी बात उन्होंने सुनी वो कि श्रोताओं को या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी वो सिखा सके, तो बहुत सोने पर सुहागा हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो मेरा व्यक्तिगत दर्द की जी, कि अब जो एक तरह की जो कोई संस्थान मरता है ना, जो ध्वस्त होते हैं, वो अपनी गंदी राजनीति की वजह से होने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि आकाशवाणी जैसी संस्था को इस प्रदूषण से दूर रहना चाहिए, और जो योग्य लोग हैं ना उनका सम्मान करना आना चाहिए। अगर वो अपनी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो एक दिन ये संस्थाएं भी ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि जब जब प्रतिभा में भेदभाव होता है और उसको उसका उचित सम्मान नहीं मिलता तो फिर ये गड़बड़ियां शुरू होती हैं, और जब आपकी आवाज सुनी ही नहीं जाती, लगातार उसकी उपेक्षा होती है, आप शिकायत करते हैं कहीं गलत हो रहा है, उसको लोग अनसुना कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेसुरे लोग जो हैं वो ऐसी जगहों पर बैठे हैं जो उसके योग्य भी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ना सरकारी नौकरी में दिक्कत क्या है ना कि वहाँ पर योग्यता ये नहीं मानी जाती कि आपने कितनी किताबें लिखी, कितनी पेंटिंग बनाई, वहाँ पर योग्यता ये है कि आपने इस ना वेतनमान से इस वेतनमान के बीच में कितने साल काम किया है, वो योग्यता है। वेतनमान योग्यता हो जाएगा, वहाँ कभी भी आप किसी सही प्रतिभा का सम्मान भी नहीं कर पाएंगे, ना मूल्यांकन कर पाएंगे, ना उसके साथ न्याय कर पाएंगे। जी, तो दिक्कत ये है, रेडियो के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो खासतौर से उद्घोषक की, मैं उनकी तरफदारी करूंगा और पैलट करूंगा कि वो इतने योग्य हैं लेकिन उनको उनका सही स्थान नहीं मिलता और सही मान नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, जिससे वो हकदार है। अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे शुक्र? मैं तो प्रभाकर जी एक तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, फिर देश के और देश के बाहर के पूरी दुनिया में फैले विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ राजीव को इतनी मोहब्बत दी, इतना सम्मान दिया, स्नेह दिया। बस मैं उनके दिलों में बना रहूं, उनकी स्मृतियों में ताजा रहूं, और आजकल तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी का दौर है कि हम सबकी रिकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर तो बहुत सारे मेरे प्रोग्राम हैं, तो कभी उनका मन हो तो जरूर सुन लें, इस बहाने मुझे याद कर लिया करें, और उनका बस ये प्यार हमेशा बना रहे, उनकी अपने चाहने वालों की शुभकामनाओं से बढ़कर दौलत क्या होगी, है ना, ये यही चाहिए। और मेरी भी उन सबके लिए शुभकामनाएं हैं, अपने जीवन में हमेशा सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया मुझे बात करने के लिए, और मेरे जो YouTube चैनल है उस पर पाएंगे आपको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।